नमस्कार, मैं अमित आज आपके सामने फिर हाजिर हूं राजधानी की बड़ी खबरों के साथ में। यहां पे आज राजधानी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली पद यात्रा। जैसे कि हम आपको बताते चले कि पद यात्रा जो है सभी प्रदेश के जिलों में निकाली जा रही है, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो है दिल में जो दिलचस्पी वाली बातें लोगों के जहन में आ रही है वो है बसपा और सपा का गठबंधन। तो इसी के ऊपर हमारे संवाददाता विक्रम ने बात किया समाजवादी कार्यकर्ताओं से राजधानी में। देखिए एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की जिस तरह से विजन यात्रा कई जगह देखने को मिली है, आज हम शारदा नगर में जिस तरह से पदयात्रा समाजवादी पार्टी की निकल रही है, आइए जानते हैं कि क्या उद्देश्य लेकर आज की ये पदयात्रा हो रही है समाजवादी पार्टी की और क्या क्या कहेंगे इस पदयात्रा। मैं सब्बीर खान, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी लखनऊ। आज इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोग गली गली गाँव गाँव जा रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो अपने कार्यकाल में जो काम किए थे उन काम को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और ये भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश की और देश की सरकारें जिन्होंने इन 5 सालों में इतना भ्रष्टाचार किया है, इससे त्राही त्राही मची हुई है। हर वर्ग लोग के लोग परेशान हों, चाहे व्यापारी हों, नौजवान हों, किसान हों, छात्र हों, सारे लोग परेशान हैं। और हम लोग जनता के बीच में जाकर अपने कार्यों को बता रहे हैं और इस सरकार में जो अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में लोग अवगत करा रहे हैं कि आने वाले समय में 2019 के चुनाव में गठबंधन के माध्यम से हम लोग जो भी प्रत्याशी आएगा उसको भारी मतों से जिताकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से हटाना है। यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। ठीक है, तो ये बताएं क्या समाजवादी पार्टी की जो भी योजनाएं रही हैं जन जन तक पहुँचाना, क्या उसको भी याद दिलाना जनता को, इस पद यात्रा का उद्देश्य है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जो भी काम 5 साल के सरकार में किया था, चाहे उन्होंने छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हो, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, चाहे महिलाओं को पेंशन देने का कार्य हो, जितने भी उन्होंने कार्य किए, हम लोग उनकी नीति और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जो वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारी है, उसने जितने भी समाज के अनहित के काम किए हैं, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ छात्रों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख हर वर्ग के समाजवादी पार्टी के विकास के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर ये पद यात्रा रखी गई। जी हाँ, ठीक है। तो ये बताएं कि क्या कहेंगे जो गठबंधन हो रहा है कल, उसके बारे में क्या रहेगा? देखिए, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। जब हम राजनीति में होते हैं और हमेशा से जब से देश आज़ाद हुआ है, जब जब जरूरतें पड़ी हैं तो एक विचारधारा के लोग हमेशा एक मंच पर आए हैं। आज देश हमारा गर्त में जा रहा है। जो झूठे और सांप्रदायिक लोग बैठे हैं इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। किसान, नौजवान, मजदूर परेशान है, जिसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जो एक गठबंधन की प्रक्रिया को आगे लाया गया है, जो कि पूर्ववर्त में कई बार भी लोगों ने किया है, आज ज़रूरत है कि एक विचारधारा के लोग एक मंच पर आएं और इन आत्ताई और सांप्रदायिक लोगों को देश से भगाएं, जिससे किसान और मजदूर और नौजवान सुरक्षित हो सके, सामाजिक व्यवस्था ठीक हो सके, महिलाओं का सम्मान बच सके। इसके लिए हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं सारे समाजवादी। यस, सब समाजवादी। तो क्या परिचय भाई साहब आपका? डॉक्टर देवेंद्र यादव। तो क्या कहेंगे इस पदयात्रा के बारे में? इस पदयात्रा के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाते हैं। और एक उद्देश्य ये भी है कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार इस सरकार में बढ़ रहा है उसके खिलाफ उनको जागरूक करना है और उनको
न्याय दिलाने का प्रयास है। ठीक है, तो हमारे साथ एक नेता और मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि युवाओं के लिए सरकार ने जैसे कई दावे किए थे, आज सत्ताधारी सरकार के वो दावे क्या हुए जी? उसने जो भी दावे किए उसमें सबसे बड़ा एजेंडा तो पकौड़ा बेचने का है, तो जितने भी युवा पढ़ लिख रहे हैं वो सब पकौड़ा बेचें, उनके जो मेन एजेंडे में है, क्योंकि वो खुद चाय बेच के आए हैं बताते हैं, तो उनको तो जो भी युवा होगा या जो भी बीटेक होगा या जो भी एमटेक होगा, जो भी पीएचडी किया होगा, वो उनको चाय बेचने तक के ही नजर आएगा, उसके आगे उनकी सोच ही नहीं है। तो क्या कहेंगे इस बार सत्ता में आते जो युवाओं के लिए रोजगार सपा में तैयार है? जी जी बिल्कुल, कई ऐसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, जो कराए जा चुके हैं, जैसे आपका आईटी हब हो, एससीएल हो, वेदांता हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, स्टेडियम हो, और सबसे बड़ा मेट्रो हो। आपको शायद ये मालूम होगा कि यहाँ पर जब पहली बार मेट्रो चली थी तो जिस लड़की ने चलाई थी वो भी आपके यहीं जौनपुर की थी। अभी इसके पहले जब यहाँ पे मेट्रो नहीं थी तो कहीं ना कहीं विदेश में ही काम कर रही होगी, मतलब हमारे देश की स्किल किसी दूसरे के काम आए। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सोच है, जो विजन विकास है, वो यही है कि जितना हमारे पास मैन पावर है, जो हमारे पास स्ट्रेंथ है युवाओं की, और सबसे ज़्यादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है, वो सारी शक्ति हमारे देश में काम करे और हमारे देश को आगे बढ़ाए और हमारे देश को मजबूत करे। क्या कहेंगे, जैसा कि आप एक युवा हैं, क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी की इस पदयात्रा के बारे में? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव जी, वो हमेशा ही नौजवानों को एक साथ लेकर, एकजुट लेकर नौजवानों पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि नौजवान जो है किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, किसी भी पार्टी की नींव होता है, नौजवान ही पार्टी का प्रचार और प्रसार करता है। जांच के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि अखिलेश यादव पर लगाई गई? देखिए, सीबीआई जांच से पहले भी बहुत सी जांचें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यों पर लगाई गई, आगरा एक्सप्रेसवे पर लगाई गई, गोमती रिवर फ्रंट पर लगाई गई, और जो पुरानी लखनऊ में जीरोधार के काम हुए उन पर भी जाँच, लेकिन वहाँ भी क्लीन चिट मिली और यहाँ भी क्लीन चिट मिलेगी। लेकिन फिलहाल सीबीआई जांच इसलिए रुकी हुई है क्योंकि सीबीआई निदेशक अपने पद पर ही नहीं है, प्रधानमंत्री और सीबीआई निदेशक के बीच में ही झगड़ा चल रहा है, पहले वो लोग लड़ रहे हैं। 19 के चुनाव में किसका परचम लहराने वाला है? देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन लगभग तय है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, गठबंधन पूरी तरह से सामने आ जाएगा, और जाहिर सी बात है प्रदेश की जनता ने गठबंधन कर लिया है, समाजवादी गठबंधन के साथ है, गठबंधन के साथ पूरा देश और पूरा प्रदेश होगा। ये गठबंधन इस बार जीतेगा, इस बार सीबीआई और भाजपा का गठबंधन नहीं जीतेगा, इस बार गठबंधन जीतेगा। क्या कहेंगे, सीबीआई का डर दिखाकर सत्ताधारी सरकार लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए, वो उनकी पुरानी आदत है, वो लोगों को डराते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह, उन्होंने जितने भी काम किए, गुणवत्ता परक काम किए, वो कभी किसी से डर, उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई के लिए बैठा हूँ, सीबीआई आए मुझसे जानकारी करे, मुझसे पूछताछ करे, और मैं भी तो जानूं सीबीआई आखिर है क्या, सीबीआई नाम का तोता है क्या? तोता नहीं, अब ये मिट्टू हो चुका है, अब ये मिट्टू हो चुका है, उड़ा नहीं, ये मिट्टू हो चुका है। और जो तोता है, तोता और उसके मालिक जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके बीच में ही अभी झगड़ा चल रहा है, तो जांच कहां से होगी? जी, क्या परिचय है आपका? सुजीत यादव। तो क्या कहेंगे आज की इस पदयात्रा के बारे में, किस तरह से युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी आने वाले समय में काम करने वाली है? देखिए कि जैसा कि पहले भी हमारी जो 5 साल की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी ने जो काम किए, विकासवादी काम किए, महिलाओं के लिए जो काम किए, आपको पता होगा कि जब से ये भाजपा की सरकार आई है प्रदेश में, महिलाओं के खिलाफ अपराध 50 गुने से ज़्यादा बढ़ गया है। कुल मिलाकर कम शब्दों में ये बताएं कि आज की इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है? पदयात्रा का उद्देश्य यही है कि जैसा कि अपनी बात, हाँ, कि महिलाओं को अगर सुरक्षित रखना है इस प्रदेश में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को पुनः सत्ता पर लाना पड़ेगा। अगर वो आएंगे तभी 1090 मजबूत होगा, डायल 100 मजबूत होगा। ठीक, ठीक। तो जैसा कि महिला भी उपस्थित है हमारे साथ, और महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, उनसे भी जानते हैं, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सुनीता कश्यप है, मैं समाजवादी पार्टी की पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूं। आज की विजन यात्रा जो पदयात्रा निकली है, उसका क्या उद्देश्य है, और महिलाओं के लिए किस तरह से काम करने वाली है समाजवादी पार्टी? ये जो पदयात्रा निकली है, ये हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जनता के लिए किया था, ये घर घर उनका संदेश पहुंचाना है हमें, और ये बताना है लोगों को कि जो भाजपा सरकार है 5 साल तक कुछ नहीं किया, जनता को परेशान किया, ये सब गद्दार मकार हैं, इनसे जनता होशियार रहे, और माननीय अखिलेश यादव जी को भारी मतों से जिता करके विजयी बनाएं, और जो सुविधाएं जनता के लिए होती है वो माननीय अखिलेश यादव जी फिर से करेंगे सबकी। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे
समाजवादी विजन पदयात्रा के बारे में हमने बात की और जगह जगह पूरे प्रदेश में आज ये पदयात्रा चल रही है, जिसको लेकर भारी संख्या में उत्साह दिख रहा है सारे समाजवादियों में। देखते हैं कल गठबंधन का क्या असर होगा, 19 के चुनाव में इस विजन यात्रा, इस पदयात्रा का क्या असर होगा। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। विकास का जो काम हमारा 5 साल का रहा है माननीय अखिलेश जी की सरकार का, उसको जन जागरण के माध्यम से हम लोगों में बताना चाहते हैं कि लोग समीक्षा करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा था उसने कितना किया, और हमारी सरकार में जो मैनिफेस्टो था कितना किया, और कितनी योजनाएं हमारी जो थी उनको चुरा करके योगी और मोदी आज उनका शिलान्यास कर रहे हैं। कई बार विकास यात्रा, साइकिल यात्रा भी कर चुके हैं आप लोग, तो इस बार जो पदयात्रा का उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, जो ये पदयात्रा चल रही है लगातार 7 तारीख से 20 तारीख तक ये पदयात्रा चलेगी। 7 तारीख को हम लोगों ने सरोजी नगर विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया था, और इसी उद्देश्य से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्देश्य है आदरणीय अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने जो काम किया है सरोजी नगर विधानसभा क्षेत्र में, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। चाहे आपका वेदांता हॉस्पिटल हो, मेट्रो की शुरुआत सरोजी नगर विधानसभा क्षेत्र से, आगरा स्पेसिफिक शुरुआत सरोजी नगर विधानसभा क्षेत्र से, 19 का चुनाव विकास को लेकर लड़ने वाली समाजवादी पार्टी, बिल्कुल हम जो विकास के काम किए हैं विकास के मुद्दे पर और गठबंधन के साथ हम लोग 19 के चुनाव में जा रहे हैं। अखिलेश यादव पर जो CBI जांच लगी, क्या उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव पर क्या, जब से भारतीय जनता पार्टी को पता लगा है, जानकारी हुई कि सपा और बसपा का गठबंधन होने जा रहा है, तब से उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। हम लोग पदयात्रा के माध्यम से ये अपील भी करेंगे जनता से कि हमारे नेता को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ये जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको 2019 में सबक जरूर सिखाएं भारतीय जनता पार्टी को। बनाते हैं बीजेपी के लोग CBI की जांच के नाम, बिल्कुल मनाते हैं, डर का माहौल बनाते हैं कि जनता भयभीत हो जाए और हमें गुमराह कर लें जनता को, और हम वोट देते हैं। सपा बसपा साथ में लड़ने वाली है। बिल्कुल साथ में लड़ने वाली है। कल संभवतः गठबंधन की घोषणा भी हो जाएगी और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज जल्दी मिलकर 2019 के मैदान में आ रहे हैं। इसको लेकर भारी संख्या में उत्साह दिख रहा है सारे समाजवादियों में। देखते हैं कल गठबंधन का क्या असर होगा, 19 के चुनाव में इस विजन यात्रा, इस पदयात्रा का क्या असर होगा। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। तो आपने देखा कैसे समाजवादी कार्यकर्ता जो हैं वो पद यात्रा निकाल रहे हैं और बाकायदा हर एक को जागरूक भी कर रहे हैं समाजवादी विचारों से, और इसके साथ ही मोदी विरोधी नीतियों के ऊपर भी साध रहे निशाना। सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, जिससे हमारे संवाददाता विक्रम ने बखूबी बात की हर एक से। जैसे कि जो बसपा और सपा का गठबंधन है उसके ऊपर भी उन्होंने सवालात करे, और जो दिलचस्पी वाली बात यह है कि जनता के जहन में एक बसपा और सपा का गठबंधन बना हुआ है कि अगर बसपा और सपा का गठबंधन होता है तो ये मोदी सरकार 2019 में हार जाएगी और कहीं ना कहीं जो समाजवादी विचार की लहर है वो फिर से दौड़ेगी। तो ऐसी खबरों को राजधानी की देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ समाजवादी की नहीं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और भाजपा, बसपा और कांग्रेस की भी अन्य बड़ी खबरों के साथ में आपको हमेशा प्रमुखता से दिखाते हैं।